भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक गुजरात के बनासकांठा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल जिले के सुई गांव स्थित कोटी गांव में एक तालाब का पानी अचानक गुलाबी हो गया। गांव वाले भी यह देखकर चौंक गए क्योंकि आज तक कभी यहां पानी गुलाबी नहीं हुआ। अब यह खबर फैलते ही आसपास के गांव के लोगों की भीड़ तादाद में इस पानी को देखने के लिए आ गए। जी हां, आपको बता दें कि गांव वालों ने बताया कि तालाब में पानी किसी दूसरी जगह से नहीं आता है, यहां बारिश का पानी जमा होता है जो कि पूरे साल गांव के लोगों और पशुओं के इस्तेमाल में आता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह पानी गुलाबी होने पर कोई हैरान है। वहीं गांव वाले इसे चमत्कार मान रहे। तालाब के पानी का रंग धीरे धीरे बदल रहा था जिस पर ज्यादा किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन अचानक ही पानी का रंग गुलाबी होने पर लोग अब आसपास में मौजूद महादेव के मंदिर का चमत्कार मान रहे। आपको बता दें कि तहसील विकास अधिकारी के भाटिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमें पानी गुलाबी होने की जानकारी मिली तो हमने तुरंत यहां एक टीम को जांच के लिए भेज दिया। पानी के नमूने लिए गए और साथ ही साथ लोगों को कहा गया कि इस पानी का फिलहाल कोई इस्तेमाल ना करें। बहरहाल गांव वाले इसको चमत्कार मान रहे, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गांव के तालाब में गटर का पानी भी जाता होगा तो इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हुआ है और इसी वजह से पानी का रंग गुलाबी हो गया है। पानी गुलाबी होने की वजह से गांव वाले कश्मीर के खीर भवानी मंदिर की तरह इसी चमत्कार मानते हैं।